पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू मंगलवार को विपणन शाखा केंद्र सेमरा का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वहां खुले में सड़ रहे गेहूं को देखकर आग बबूला हो गए। इसके अलावा उन्होंने पाया कि बिक्री नहीं होने के कारण 5 ट्रैक्टर पर गेहूं लदा हुआ मिला। वहां की दयनीय स्थिति को देखकर उच्चाधिकारियों से टेलीफोन पर बातचीत की और अनाज के नुकसान के लिए जवाबदेही तय करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। 3 घंटे बाद पहुंची SMI प्रियंका पांडे ने संसाधन कमी के कारण हवाला देते हुए अपनी व्यवस्था जाहिर की, साथ ही ट्रैक्टर पर लदे गेहूं की खरीद करने का आश्वासन दिया। इस दौरान किसानों ने बताया कि बड़े पैमाने पर टोकन के अभाव में किसानों के गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है। बरसात होने के कारण गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। इस दौरान किसानों ने भी अपनी समस्याएं मनोज डब्लू के समक्ष रखी और मदद की गुहार लगाई। इसके बाद सपा के राष्ट्रीय सचिव की पहल पर गेहूं खरीद करने और टोकन जारी करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी किसानों के गेहूं की खरीद 100% करने का दावा कर रही है, लेकिन केंद्रों की स्थिति कुछ और ही बयां हो रही है। नितेश सिंह यादव की रिपोर्ट। 8-10 दिन से घूम रहे हैं, आप उनका गेहूं ले लीजिए, क्यों परेशान कर रही है? अब मुझे क्या मालूम लिया कि मैं किसी से पूछने नहीं जाता हूँ। ये जो देख रहा हूँ मैं, जिसको बोल दिया उसी की फीडिंग हो रही है, मतलब बाकी किसान नहीं है? जिसको मैं बोल दूँ वही है, मैं जिसको बोल दूँ वो किसान, और जिसको नहीं बोलूँ किसान नहीं। यहाँ पे एक लड़का अभी कहाँ थे, ठाकुर जोन कहा था, वहाँ चल गए। तुम्हारा गेहूँ का क्या प्रॉब्लम है? सर गेहूँ यहाँ 100 कुंटल कसा गया, हम लोगों का 74 कुंटल पिताजी का पेपर था, तो वहाँ 50 कुंटल ये लोग नहीं, 50 से ऊपर चढ़ाए नहीं। हाँ। माता जी पे 11.5 कुंटल कसा है, 5 कुंटल नहीं, माता जी का लिए है, 5.5 कुंटल का मैटर फंसा है। 5.5 कुंटल का मामला, अब तो पेपर टोटल 67 कुंटल गेहूँ हम यहाँ दिए हैं, जबकि 74 कुंटल का पेपर पिताजी पे था। 100 कुंटल हमने बोला कि मैडम गेहूँ ले लीजिए आप, 74 कुंटल नहीं 50 कुंटल पिताजी पे और 11.5 कुंटल माता जी पे, बाकी 5.5 कुंटल फंसा है। तो 5.5 कुंटल गेहूँ आपके कहाँ है? मैडम के पास। मैडम तो कहे नहीं लेंगे, टोटल खुला होता तो कहे थे ना कि फीडिंग करवा देंगे, तो आज लेंगे। 22 तारीख है, खुला ही है, आप बता ही रहे हैं आपको किस लिए खुला है। क्या होगा भैया? मैडम हमारे बारे में क्या होगा, वो हम तो नहीं बोले भी विधायक जी। नहीं नहीं बोलिए, बिल्कुल बोलने के लिए तो आया हूं मैं। आप भी बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आइए बोलिए, बताइए। 5 मई का टोकन है, 6 मई का ट्रैक्टर आज एक पखवाड़ी से खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। आपने आपके सामने समस्या थी कि नहीं? क्या? आपने 13 तारीख को ले आया, 15 तारीख को हमारा कांटा जो डबल चल रहा था वो आके एक 5 मई का टोकन है मैडम, हमने 5 मई का आपका टोकन है। हाँ। नहीं माना, हम नहीं वो कर रहे, लेकिन क्या आपकी बिल्कुल खरीद नहीं हुई है टोकन? दूसरे की खरीद हुई ना, हमारे चाचा की खरीद हमारे ऊपर थोप रहे हैं। चाचा का खरीद हमारे ऊपर थोप रहे हैं जी। हाँ बताइए। भगवान सिंह और बीरेन सिंह के टोकन थे, एक टोकन पे 100 कुंटल उस समय हो रहा था, पहले चढ़ रहा था। अरे उस दिन, अरे हमारी पूरी बात सुनिए, जिस दिन आप भगवान सिंह का टोकन चढ़ाई है, राधे श्याम अम्मा का उस दिन 250 कुंटल चढ़ाई है, 27। राधे श्याम अम्मा देखिए, अपना अपना पोर्टल खोल कर आप 100 कुंटल किसका कभी पहले आप अपना पोर्टल खोल कर देखिए, 250 कुंटल अरे देखिए विधायक जी, पोर्टल खोलिए, 27 मई का पोर्टल खोलिए, 250 कुंटल एक किसान के लिए, देखिए 27 मई का पोर्टल। हम लोग खुद ही 100 कुंटल 150 कुंटल बेच रहे हैं, 27 मई का पोर्टल बेची नहीं चला, पूरे जिला की वही हालत हो गई है। आपको पता है ना 50 कुंटल? 50 कुंटल पता है मुझे, वो 50 कुंटल तो एक हफ्ता में चला। मैडम कितने तारीख को पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।